सर फरुखाबाद में अभी एक कुछ रोडवेज बसेस के कलर में कुछ प्राइवेट बसेस चल रहे हैं और वो जो है उस पर उत्तर प्रदेश भी लिखा हुआ है, तो काफी सवारियां भ्रमित हो रही हैं कि सरकारी बस है कि प्राइवेट बस है। इन तरीके की बसों पर क्या कार्रवाई आपके द्वारा आने वाले समय में की जाएगी? देखिए, पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं कि आपने इस कार्यालय में आकर के और एक अच्छे दिशा की तरफ हमको प्रेरित किया और ये संज्ञान में मेरे आया है। वैसे व्हीकल की फिटनेस के दौरान जो है इन सब सारी चीज़ों को देखा जाता है, नंबर प्लेट से लेकर के उसकी फिजिकल कंडीशन से लेकर के तकनीकी कंडीशन से लेकर के सारी चीज़ों को देखा जाता है और उसके बाद ही। और अब ये ट्रांसपेरेंट व्यवस्था और इसलिए हो गई है कि क्योंकि यम वाहन ऐप पे सारे चीज़ों की जो है एक जो है ऑनलाइन व्यवस्था है कि गाड़ी कार्यालय में आती है उसका 6 एंगल से आगे पीछे अगल बगल डैशबोर्ड और चेसिस नंबर इसका फोटो खींच करके उसको अपलोड किया जाता है, उसके बाद ही गाड़ी की को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस संबंध में मैं आरआई तकनीकी से भी बात करूंगा कि इस तरह की जो है स्थितियां कैसे आई हैं या वो बाद में जो है कलर कोड करवाया या जो भी है, इस संबंध में मैं उनसे जो है लिखित रूप से एक जो है पत्र दे करके उनसे पूछूंगा भी कि इस तरह की स्थितियां न हों और एक परिवहन कार्यालय की एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था स्थापित हो कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति को ये महसूस हो कि कार्यालय में अच्छा काम होता है और प्रत्येक व्यक्ति को सुना जाता है और स्वयं अपना काम आदमी आसानी से करवा सकता है। अगर ये बसें रोड पर संचालित होते हैं इस तरीके की कि प्राइवेट व्यक्ति जो है वो भ्रमित होता है, तो आपके विभाग के द्वारा उन बसों पर क्या कार्रवाई? प्रवर्तन कार्य में भी मैं उनको देखूंगा और जो है आरआई तकनीकी जो कि फिटनेस करते हैं जिसमें कलर को देखा जाता है उनको भी मैं मतलब स्पष्टीकरण इसमें जो है मांगूंगा।